बिहार में फिर धमाका। बम धमाके से दहला बिहार। बांका के बाद अब अररिया में बम धमाका। हर किसी के चेहरे पर दिखा खौफ। बिहार के बांका में एक मदरसे में हुए धमाके के बाद अररिया में भी बम ब्लास्ट हुआ है। अररिया के बैरगाछी में जबरदस्त बम विस्फोट की खबर सामने आई है। ये जोरदार धमाका भुवनेश्वरी रामपुर में आम के बगीचे के पास जाने वाली ग्रामीण सड़क के पास हुआ। इसी भीषण विस्फोट में एक व्यक्ति के दाएं हाथ की हथेली छलनी होकर उड़ गई। घटना बैरगाछी ओपी क्षेत्र के रामपुर मोहनपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 9 भुवनेश्वरी रामपुर गांव की है। इसके बाद तुरंत ही बैरगाछी ओपी थाना अध्यक्ष हरेंद्र कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पाया कि मोहम्मद अफरोज नामक युवक घायल अवस्था में है, जिसका दायां हाथ की हथेली और जांघ पूरी तरह जख्मी था। थाना अध्यक्ष ने पहले घायल युवक को सदर अस्पताल भिजवाया और फिर मामले की तफ्तीश में लग गए। जाँच के क्रम में ही मौके से 2 जिंदा बम और विस्फोटक हुए बम के कणों को बरामद किया। वहीं बैरगाछी थाना अध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने बम विस्फोट के बारे में जानकारी देते हुए आशंका व्यक्त की कि घायल व्यक्ति के द्वारा झोला में बम लेकर जाया जा रहा होगा। इसी क्रम में टकरा जाने से बम फट गया। वहीं सदर SDPO पुष्कर कुमार ने जल्द से जल्द बम विस्फोट के हर एक पहलू से पर्दा उठाने का दावा किया है। हाँ, इसी गांव के मामले में अभी आए थे तो रात को जो इंजर्ड जिसका हाथ बम से जख्मी हुआ था उसको रात को ही थाना अध्यक्ष ने हॉस्पिटल भेजवाया था। फिर वो आ गया था, उसको पुनः इलाज के लिए रेफर किया गया है, लेकिन प्रथम दृष्टया संदिग्ध मामला लग रहा है। और ये रात को इस तरफ जबकि घर उसका दूसरे तरफ यहाँ आया और उसके बाद ये एक छड़ से लगता टकरा के ये खुद ही अपना बम लगता है बनाया था। ऐसे पता चला है कि राजा नाम का एक व्यक्ति है जिससे इसकी दुश्मनी थी और इसका आरोप है कि राजा बम मारा है, लेकिन राजा नहीं बम मारा, ये खुद बम बनाया था और ये बम मारने के लिए राजा को जा रहा था। इन सभी बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है कि आखिर वास्तविक सच्चाई क्या है। और इनके भाई लोगों का भी बयान लिया गया है, भाई लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग इन लोगों को उतना जानकारी नहीं है और इस संबंध में पता करें कि इसमें रोल किसका, इनको मारने आया था कि इनका खुद बम बना रहे थे जिससे इनका अपराधी की सियात भी है। एक बार ये जेल भी गए हैं, दिल्ली में रहते थे, इनकी पत्नी जो है वो इनको छोड़ दी थी, 2 शादी की एक पत्नी छोड़ दी थी, उस पत्नी से राजा का संबंध हो गया था, इसी बात को लेके उसको राजा से फ्रिक्शन था, तो इसलिए ये जो है सो हो सकता है कि राजा के को ही मारने के लिए बम बनाए होंगे। और बम क्या, ये क्रैकर टाइप का था जो मसाला उशाला दे के डिब्बा में भरत के सुतली से करता है, वही था। कितना बम भी बरामद हुआ? 2 बम बरामद है, जिंदा बम है, यहीं पर रखा हुआ था, ये घर के पीछे तरफ पड़ता है, सुनसान जगह वहाँ पर रखा था और लगता है कि रात को ये लेने आए थे। इसी में छड़ था, छड़ से इनका कुर्ता फंसा है, गिर गए हैं, जिससे हाथ में बम था वो बम ब्लास्ट किया। प्रथम दृष्टया यही बात लग रहा है। फिलहाल बम विस्फोट के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच और अन्य संभावनाओं की तलाश में जुट गई है। गुरुवार रात के साथ थाना अध्यक्ष हरेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ शुक्रवार दोपहर भी गांव पहुंचे और मामले को लेकर घायल के परिवार वालों के साथ साथ अन्य ग्रामीणों से भी पूछताछ की। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पंजाब केसरी TV के लिए अररिया से राकेश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।